हेलो बच्चों, वेलकम। सो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बेसिक बायोलॉजी के बारे में, और बेसिक बायोलॉजी के बारे में आज हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ पर। ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर अपन कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं, एनिसेंट थ्योरीज जो हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बहुत ही फेमस हुई, किसके द्वारा दी गई? प्रपोज बाय एबी लेमेट्री। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बिग बैंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर आपको लिख रखा है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि अकॉर्डिंग टू इट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अबाउट 15 बिलियन ईयर अगो, लगभग 15 बिलियन ईयर अगो, 15 बिलियन साल पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था। ठीक है, ध्यान से देखें कि अकॉर्डिंग टू इट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अबाउट 15 बिलियन ईयर अगो किस वजह से हुआ? ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मतलब एक बहुत महाविस्फोट हुआ। ऐसा माना जाता है कि आज तक का यूनिवर्स के अंदर सबसे बड़ा विस्फोट था ये। ठीक है, ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, दिस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग। ये जो महाविस्फोट हुआ, ये जो एक बड़ा महा थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन जो हुआ, इसे ही बिग बैंग कहा गया। तो सारी की सारी कहानी जो थी वो इस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के पीछे छुपी हुई है। मेन इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स जो था वो गैसेज से और क्लाउड से भर गया। ठीक है ना, पार्टिकल्स, डस्ट, गैसेज, क्लाउड्स, इस तरह की चीजों से भर गया पूरी तरह से। तो अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो, यानी 15 बिलियन ईयर अगो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग हुआ। उसके बाद में आप निकाल दो कि 4.6 बिलियन ईयर अगो द ओरिजिन ऑफ आवर सोलर सिस्टम टुक प्लेस। लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ, और किस वजह से हुआ, ध्यान से देखें, किस वजह से हुआ? ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम टुक प्लेस बाय गैसेज क्लाउड्स फॉर्म ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन। जो गैसेज क्लाउड बने थे इस एक्सप्लोजन की वजह से, ये गैसेज क्लाउड जो थे वो कोलैप्स हुए और कन्वर्ट इनटू फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, तथा एक डिस्क के जैसी, एक आप डिस्क समझते हो ना, तो डिस्क के जैसी संरचना के अंदर कन्वर्ट हो गए, कंडेंस हो गए। कंडेंस का मतलब होता है संघनित हो जाना। ठीक है ना, कंडेंस का मतलब क्या होता है? संघनित हो जाना। तो ये गैसेज क्लाउड कोलैप्स हो गए तथा कंडेंस होकर फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हुए, इसके अंदर और क्या क्या चीजें थी? इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये किससे मिलकर बनी हुई थी? मेड अप ऑफ एटम एंड स्मॉल पार्टिकल। दीज गैसेज क्लाउड कोलैप्स एंड कन्वर्टेड इंटू फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एटम एंड स्मॉल पार्टिकल ड्यू टू देयर ऑन ग्रेविटेशनल पुल। अब ये गैसेज क्लाउड जो थे वो कोलैप्स हुए, ठीक है, एटम जो थे वो भी साथ में आए, और जो डस्ट पार्टिकल थे वो भी साथ में आए। तो गैसेज, एटम्स, डस्ट पार्टिकल, ये सारे के सारे क्या हो गए? कंडेंस हो गए एक तरह से। और इनके आस एक दूसरे की तरफ आने की जो वजह थी वो थी ड्यू टू देयर ऑन ग्रेविटेशनल पुल, इनका खुद का गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, इनके खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या हुए? ये आपस में कोलैप्स होकर फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। तो फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सोलर नेब्यूला। ठीक है, इस फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा गया? इसे बोला गया सोलर नेब्यूला। और सोलर नेब्यूला ही वो स्ट्रक्चर थी, है स्ट्रक्चर है, जिसे ऐसा माना जाता है कि वो बाद में चलकर आगे किस में कन्वर्ट हुई? सन में कन्वर्ट हुई। तो ये जो सोलर नेब्यूला बनी, या जो ये सोलर नेब्यूला स्ट्रक्चर जो थी, इसका सेंट्रल कोर जो था, बीच का केंद्रीय भाग जो था, वो बहुत ही ज्यादा गर्म था, और आज भी गर्म है। आप देख सकते हो जो सन है उसकी सरफेस कितनी ज्यादा गर्म है। तो सोलर नेब्यूला का जो सेंट्रल पार्ट था वो बहुत ज्यादा हॉट था, बहुत ज्यादा गर्म था, और आज भी स्टिल आज तक ये बहुत ज्यादा गर्म है। टेम्परेचर जो है वो हजारों डिग्री सेल्सियस के अंदर है। तो ये सोलर नेब्यूला जो थी वो किसमें कन्वर्ट हुई? सन के अंदर या सूर्य में कन्वर्ट हुई। फिर नाउ ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ एटम एंड डस्ट पार्टिकल अराउंड द सन, फॉर्मेशन ऑफ अदर प्लेनेट।
अब जो बाकी पीछे बचे हुए डस्ट पार्टिकल थे और एटम जो थे वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे और कंडेंस होकर अपनी अपनी स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ गए, और जो बाकी बचे हुए अपने सोलर सिस्टम के जो बचे हुए प्लैनेट थे उनका फॉर्मेशन हुआ। तो उनमें से एक प्लैनेट जो था वो अपना भी था, जिसे क्या कहा गया, अर्थ कहा गया। तो इस कहानी को देखिए, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है ये, कोई इसमें इतना नहीं है, बस आपको इमेजिन करना आना चाहिए। आप यूट्यूब पे आप अगर सर्च करोगे बिग बैंग ब्लास्ट के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में या थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में, तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अगर आप विजुअल्स में देखोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही चीजें जो होंगी वो और ज्यादा क्लियर होंगी। तो यहां कहने का मतलब ये है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि अकॉर्डिंग टू इट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स करीब 15 बिलियन साल पहले, 15 बिलियन ईयर अगो, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, एक बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ जिसे बिग बैंग कहा गया। इसकी वजह से यूनिवर्स के अंदर गैसेज क्लाउड बने, एटम्स, डस्ट पार्टिकल, ये सब बिखर गए। फिर धीरे धीरे वो गैसेज क्लाउड जो थे वो कोलैप्स हुए और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लगे। इसके साथ साथ में जो डस्ट पार्टिकल थे और एटम थे वो भी साथ में जुड़े, और किसकी वजह से जुड़े, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जुड़े और एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाई जिसे सोलर नेबुला कहा गया। सोलर नेबुला की सरफेस बहुत हॉट थी, वो आज भी उतनी ही हॉट है, और वो आगे चलकर किस में कन्वर्ट हुई, सन में कन्वर्ट हुई। और फिर ऐसा माना जाता है कि जो बाकी चीजें थी, नाउ ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ एटम एंड डस्ट पार्टिकल अराउंड द सन, जो सूरज के चारों तरफ, सन के चारों तरफ जो डस्ट पार्टिकल और एटम्स थे वो भी आपस में कंडेंस हुए और उन्होंने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन किया, और वही स्ट्रक्चर्स क्या कहलाई, प्लेनेट कहलाई। और इन्हीं प्लेनेट में से एक प्लेनेट जो था वो हमारा अर्थ था। क्लियर हुआ बिग बैंग थ्योरी, कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्या कहना चाहती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको वर्ड टू वर्ड चीजें क्लियर रहे। ध्यान से देखें, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग लगभग 15 बिलियन ईयर अगो एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, इसी थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बिग बैंग कहा गया, और लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ। किसकी वजह से, गैसेज क्लाउड, एटम्स और जो डस्ट पार्टिकल थे उनके कंडेंसेशन की वजह से, उनके संघनन की वजह से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। तो ये गैसेज क्लाउड जो थे ये कोलैप्स हुए, कन्वर्ट हुए फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में। ये किससे मिलकर बने हुए थे, साथ में छोटे पार्टिकल्स हो गए, एटम्स हो गए, इनके आपस के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये एक दूसरे के पास पास में आए और उन्होंने फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाई। अब ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो थी इसे सोलर नेबुला कहा गया। इसकी सरफेस बहुत ज्यादा गर्म थी, आज भी उतनी ही गर्म है, और यही सोलर नेबुला आगे चलकर किस में कन्वर्ट हुई, सन में कन्वर्ट हुई। फिर इस सन, जो सन बन गया, अब सूरज का निर्माण हो चुका है, तो अब जो इसके आसपास के जो एटम और डस्ट पार्टिकल थे वो भी कंडेंसेशन हुआ उनका भी, और उन्होंने दूसरे प्लेनेट का फॉर्मेशन किया, और इस तरह से चलकर हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। ये बात कही एबे लेमेट्री ने, और इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया, बिग बैंग थ्योरी कहा गया, इसे बिग बैंग सिद्धांत कहा गया। तो इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे एविडेंस जो है इसके दिए गए, एक्सपेरिमेंटली एविडेंस भी इसके प्रोवाइड करवाए गए, जिस तरह से ये कंडीशन बनी, इस तरह की कंडीशन को लैब के अंदर भी क्रिएट किया गया। अपन आगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि जो एविडेंस मिले वो किस किस तरह से मिले। तो स्टेप बाय स्टेप अपने को चीजों को डिस्कस करना है बच्चों। अपन फिलहाल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, और बेसिक का मतलब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बेसिक का मतलब ये है कि हम अपने सब्जेक्ट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस लाइफ का हमें स्टडी करना है, वो लाइफ ओरिजिनेट किस तरह से हुई थी। जितने ज्यादा आपके फंडामेंटल ये क्लियर होंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी सब्जेक्ट के प्रति रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। यहां से मैं मानता हूं कि नीट के अंदर यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई वो जानना जरूरी है। क्लियर? तो जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, जिन्होंने जो आज पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं, उन्हें बता दूं कि इसके तीन लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वो कंप्लीट प्लेलिस्ट पूरा करें, उसे सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर देखें, उसके बाद में यहां से कंटिन्यू करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। यहां मैं जितना भी कंटेंट आपको दे रहा हूं वो कंप्लीट और सफिशियंट कंटेंट है, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोर्ड पर लिखा रहा हूं वो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है, सफिशियंट है, आप यूं कह सकते हो, एक तरह से संपूर्ण है वो।
इसके अलावा अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9460702920। मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं जूम पे, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, नोट्स और क्वेश्चन बैंक चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बिग बैंग थ्योरी क्या थी, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया कि लगभग 15 बिलियन ईयर अगो एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, उसे बिग बैंग कहा गया, और जितना भी अपना सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो बना और इसी एक्सप्लोजन के कारण बना। क्लियर? इसके बाद में अपने पास कुछ थ्योरीज और हैं, ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी के बारे में अपन बात करेंगे। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके पास में इंफॉर्मेशन जो है वो सेव रहेगी। चलिए आगे बात करेंगे अपन केमिकल इवोल्यूशन के बारे में, जो कि एक तरह से सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसे बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा स्वीकार किया गया। तो ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी के बारे में अगर अपन बात करें तो वो क्या कहती है, केमिकल इवोल्यूशन जो है, केमिकल इवोल्यूशन क्या था, किस तरह से हुआ, उस चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग जो है अपने पास में वो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो आधुनिक सिद्धांत दिए गए ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, उनके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो मॉडर्न थ्योरीज के अंदर सबसे पहली थ्योरी जो आती है वो है ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इसे और क्या कहा गया, इसे केमिकल इवोल्यूशन भी कहा गया, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इसे ही कहा जाता है। यहां मेंशन कर देता हूं, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है ना, रासायनिक उद्विकास के बारे में ये थ्योरी ये बताने की कोशिश करती है कि किस तरह से एटम्स का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से एटम का फॉर्मेशन हुआ, उस चीज के बारे में बताने की कोशिश करती है ये थ्योरी। क्लियर? चलिए बात करते हैं अपन ओपेरिन हाल्डेन का क्या मत था, उन्होंने क्या बताया था। तो उन्होंने ये कहा था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो केमिकल इवोल्यूशन से, यानी सबसे पहले जो थे वो केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, जो सिंपल एटम प्रेजेंट थे यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो सिंपल एटम्स प्रेजेंट थे, उन्हीं एटम्स ने सबसे पहले क्या बनाया, सबसे पहले उन्होंने सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। ठीक है ना, सिंपल कंपाउंड का आप यूं कह सकते हो, जो एटम प्रेजेंट थे उन एटम्स ने आपस में मिलकर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, फिर उन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ने आगे चलकर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड या मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो किस तरह से रहा, इस थ्योरीज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ये थ्योरी जो थी वो ओपेरिन की बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर पब्लिश की गई थी। ठीक है ना, इस थ्योरी का पब्लिकेशन जो था ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के नाम से ही, ओपेरिन की एक बुक थी उसके अंदर इसे पब्लिश किया गया था। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड बाय कंपोनेंट ऑफ केमिकल्स। ठीक है ना, इस सिद्धांत के अनुसार, इस मत के अनुसार जीवन जो बना है वो किसकी वजह से बना है, वो कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स है। लाइफ ओरिजिनेटेड बाय, मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, लाइफ ओरिजिनेटेड बाय कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स। कि जीवन जो है वो क्या है, वो केमिकल्स है।
आप यूं कह सकते हो कि जितनी जो भी लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है, जो भी लाइफ फॉर्म अपने आसपास देख रहे हैं, जैसे अपन है, खुद का आप ऑब्जर्व करके देखो, खुद को आपके आसपास में जितनी भी वस्तुएं पड़ी हैं उनको ऑब्जर्व करके देखो, आपको हर चीज किससे मिली हुई दिखाई पड़ेगी, केमिकल से मिली हुई दिखाई पड़ेगी। आपकी जो बुक्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, वो पेपर जो कार्बन पेपर है, आप जिस डेस्क पे बैठ कर अभी पढ़ाई कर रहे हो वो भी कार्बन कंटेनिंग है, जो हमारी बॉडी है वो भी किस तरह की है, वो भी कार्बन कंटेनिंग बॉडी है। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, केमिकल्स है हर चीज। आप एक सेल की स्ट्रक्चर देखिए भाई, लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक घटक क्या होता है, कोशिका होती है कि नहीं होती। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक घटक अगर कोशिका है तो आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि कोशिका किससे मिलकर बनी हुई है या सेल जो है वो कैसे बनी हुई है। तो आप एक प्लांट सेल के बारे में बात करो और एक एनिमल सेल के बारे में बात करो। जिस तरह से एक प्लांट सेल है, सबसे बाहर क्या, सेल वॉल प्लांट की किससे मिलकर बनी हुई, सेलुलोज से। सेलुलोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। आप सेल मेम्ब्रेन के अंदर बात करो, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई, लिपोप्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अपने साइटोप्लाज्म में क्या मेजर कंटेंट होता है, वाटर, इसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्या है, केमिकल्स है। आप सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर लो, उसके अंदर भी क्या है, केमिकल्स है। हमारा जो सेलुलर जो बिल्डिंग मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, केमिकल है। तो मतलब इस थ्योरी के ऊपर भरोसा किया जा सकता था। ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत एक तरह से काफी हद तक सही सिद्धांत है कि जीवन जो है वो इसी तरह से उत्पन्न हुआ है। जिस तरह से अपन ने कल के लेक्चर में बात करी थी, माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरीज के अंदर बात करी थी कि लाइफ जो है वो भगवान के द्वारा क्रिएट की गई, बाइबल के अकॉर्डिंग 6 दिनों में बनाई गई, हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने जीवन को उत्पन्न किया। ठीक है, अगर लोग मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि इन चीजों को नहीं मानते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो उस तरह का क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। उस तरह का क्रिएशन, उस तरह की उत्पत्ति जो है वो संभव नहीं है। साइंटिफिकली देखें तो ऑपेरिन हाल्डेन के अकॉर्डिंग जो इन्होंने बात कही, इस बात में दम है, एक्चुअल में दम है कि लाइफ जो है वो किससे ओरिजिनेट हुई, कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स है। यहां पर जो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स है, जिस तरह से मेटाबोलिज्म है, सारे के सारे मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम जिंदा हैं तो किसकी वजह से, इंट्रैक्शन की वजह से, केमिकल इंट्रैक्शन की वजह से। हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही है इसी टाइम जब आप लेक्चर देख रहे हो। अगर एक भी मेटाबॉलिक पाथवे डिफेक्ट हो जाए तो कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, कोई ना कोई करेक्शन आ जाएगा, किसी ना किसी तरह की दिक्कत हो जाएगी। तो सारी बॉडी हमारी, हम फंक्शन कर पा रहे हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स का बनना और टूटना। भाई एनाबॉलिज्म हो रही है, कहीं कैटाबॉलिज्म हो रही है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, यही तो मेटाबॉलिज्म है। डेथ की डेफिनेशन देखिए आप, व्हेन ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी परमानेंटली स्टॉप्ड, जब सभी प्रकार की उपापचयी अभिक्रियाएं स्थायी रूप से बंद हो जाती हैं तो उस कोशिका या जीव की मृत्यु हो जाती है। तो मेन जो रीजन है जिंदा बनाए रखने के लिए वो क्या है, केमिकल्स हैं। केमिकल्स के इंट्रक्शंस हैं, होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसकी वजह से हम लिविंग हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो मीन ओपेरिन और हाल्डेन पे भरोसा किया जा सकता है कि लाइफ ओरिजिनेटेड बाय कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स, ठीक है ना। अब फिर लाइफ दूसरी जगह अगर अपन बात करें कि जो लाइफ के लिए और लाइफ ओरिजिनेट हुई वो कहां पर हुई, सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहां हुई, भाई अर्थ पे तो हुई, लेकिन अर्थ के अंदर भी आप क्या क्या बोलते हो कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर ऑफ ओशियन। लाइफ जो थी वो कहां ओरिजिनेट हुई, ये महत्वपूर्ण मेन टॉप पॉइंट जो है इसके वो बता रहा हूं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से सिंपल मॉलिक्यूल बने और किस तरह से कॉम्प्लेक्स बने। तो एक बार हमें पता होना जरूरी है कि ये कहना क्या चाहता है। तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर ऑफ ओशियन, जो प्रिमिटिव ओशियन थे, जो समुंदर थे, ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति किसमें हुई थी, पानी में हुई थी। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो अत्यावश्यक घटक है, वो है वाटर। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर
वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक घटक जो है, एसेंशियल फैक्टर जो है वो है वाटर। मतलब जो ये नारा दिया जाता है कि जल ही जीवन है, जल बचाओ, तो इसमें दम है। ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब यूं ही बोल दिया गया है, इस बात में वाकई दम है कि जल ही जीवन है। एक्चुअल में आप कहो तो जल ही जीवन है, क्योंकि बिना वाटर के लाइफ ओरिजिनेट होना पॉसिबल नहीं था। बिकॉज आज मून पर लाइफ नहीं है, चंद्रमा पर आप अगर बात करो तो जीवन नहीं पाया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है ना, चंद्रमा पर लाइफ देखने को नहीं मिलती है। किस लिए देखने को नहीं मिलती है? क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है, तो पानी नहीं है इसलिए जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। अब इस चीज के पीछे और अगर मैं लॉजिक डिस्कस करूं तो भाई वाटर जो है वो एसेंशियल क्यों है, ऐसा क्यों माना गया, ऐसा क्यों कहा गया कि जो वाटर है वो लाइफ के लिए एसेंशियल है? तो इस चीज के पीछे देखो रीजन है। मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि हमारी बॉडी, हम जो लिविंग हैं वो किस वजह से लिविंग हैं? हम लिविंग हैं मेटाबॉलिज्म की वजह से। हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो जिंदा है। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, मुद्दे की बात जो है वो ये है कि किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन को होने के लिए मीडियम चाहिए, और वाटर इज द बेस्ट मीडियम। हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उनके लिए जल जो है वो बहुत ही उपयुक्त माध्यम है। तो किसी भी रासायनिक घटना को होने के लिए एक मीडियम जरूर चाहिए होता है, और मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन का सबसे अच्छा मीडियम, सबसे उपयुक्त माध्यम जो होता है वो जल होता है। इसलिए वाटर जो है वो एसेंशियल है। भाई ये तो हम जानते हैं कि वाटर एसेंशियल है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइफ को लगातार बनाए रखने के लिए एक तरह से। लेकिन क्यों एसेंशियल है? इसका आंसर है कि वाटर एक मीडियम का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है, और उस मीडियम के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है ना। अब दूसरा और एक पॉइंट और है कि एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ O2 इज एब्सेंट। चलिए बात करते हैं, हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में भी बताऊंगा आपको। एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ O2 was absent। जब जीवन उत्पन्न हुआ तो ऑक्सीजन नहीं थी। अब ऑक्सीजन नहीं थी तो जो फर्स्ट लाइफ थी वो किस तरह की थी? एनएरोबिक थी। फर्स्ट लाइफ वॉज एनएरोबिक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पहला जीवन था, जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, तब एनवायरनमेंट कैसा था, या फर्स्ट लाइफ जो थी वो किस तरह की थी? फर्स्ट लाइफ एनएरोबिक थी, ध्यान रखिएगा। पहला जीवन जो था वो कैसा था? एनएरोबिक था, बिकॉज O2 प्रेजेंट नहीं थी। O2 प्रेजेंट क्यों नहीं थी, इसके बारे में अपन बात करेंगे आगे कि O2 क्यों प्रेजेंट नहीं थी। So, अब बात यह आती है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर है फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर किस तरह का था? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग नेचर का था। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वॉज रिड्यूसिंग इन नेचर। समझ में आया? क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर कब आएगी? ऑक्सीडाइजिंग नेचर तब आएगी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। जब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तब एटमॉस्फेयर किस तरह का होगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। तो जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी तब तक का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग नेचर का था, और रिड्यूसिंग नेचर का होना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण घटक है रिड्यूसिंग नेचर का होना।
क्यों सोच सकते हो आप? अगर सोच सकते हो तो ऑनेस्टली आप कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करें कि रिड्यूसिंग नेचर का होना लाइफ के ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों था। बताइए, फटाक से बताइए कि एटमॉस्फेयर का रिड्यूसिंग नेचर का होना लाइफ के ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों था। ऐसा क्या था कि रिड्यूसिंग नेचर जो थी वो इंपॉर्टेंट थी? चलिए मैं बताता हूं। रिड्यूसिंग नेचर इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, एक छोटा सा एग्जांपल जो आपको बताएं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आप क्या पढ़ते हो? आप फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ते हो कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको सनलाइट की सहायता से किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। और वहां बनता क्या है? ग्लूकोज बनती है प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये पढ़ते हो। ग्लूकोज किससे बनती है? आप टारगेट के बच्चे हो, अगर आप 11th के बच्चे भी हो तो भी आपको पता होगा ग्लूकोज किससे बनती है? CO2 के रिडक्शन से बनती है। और CO2 क्या होती है? इनऑर्गेनिक होती है, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। CO2 जो है वो इनऑर्गेनिक है। तो CO2 का रिडक्शन होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है, हाइड्रोजन को CO2 के साथ ऐड किया जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन वाटर वाला और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो रिडक्शन मतलब सिंथेटिक नेचर का होना, कुछ बनने के लिए रिडक्शन होना जरूरी है। तो तब जो थी चीजें प्रिमिटिव, जब एटमॉस्फेयर था तो उसके अंदर चीजों को बनना था, फॉर्म करना था। और किसी चीज को सिंथेसाइज करने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए अगर कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट है या हेल्पफुल है तो वो है रिडक्शन का होना, एटमॉस्फेयर का रिड्यूसिंग होना। देखो आज हमारी बॉडी लगातार डिके होती जा रही है, डे बाय डे डिके होती जा रही है, हमें पता नहीं चल रहा है लेकिन डे बाय डे हमारी बॉडी क्या होती जा रही है? डिके होती जा रही है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें जो हैं आप अपने आसपास देखते हो, हर चीज जो है उसका डिके हो रहा है। तो डिके क्यों हो रहा है उसका? जिस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल, बाकी चीजों को तो हो सकता है आप इतना एनालाइज ना कर पाओ, जैसे एप्पल की सरफेस जो होती है वो ब्राउन पड़ जाती है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। आयरन पे रस्ट लगना, लोहे पर जंग का लगना क्या है? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन से लोहा भी डिके हो जाता है, लोहा भी नष्ट हो जाता है, सोच के देखो आप। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो थी, ऑक्सीडेशन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होना, जो अगर शुरुआत के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो मे बी लाइफ को क्रिएट होने में बहुत टाइम लग जाता, बहुत ज्यादा टाइम। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि अभी टाइम नहीं लगा है, अभी भी बहुत टाइम लगा है, लेकिन रिड्यूसिंग नेचर का होना एक महत्वपूर्ण कारण था, एक इंपॉर्टेंट रीजन था कि सिंपल मॉलिक्यूल से आगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होने लगे। तो आप फिर से, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे, ऑपेरिन हार्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसे थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन या रासायनिक उद्विकास भी कहा जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर साइंटिस्ट के नाम पे पूछे कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन किसने दी, तो ऑपेरिन और हार्डेन ने दी। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या कहना चाहती है? कि लाइफ जो है वो क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स है, रसायनों का संगठन है जीवन जो है। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर ऑफ ओशियंस, समुद्रों के पानी में जीवन की उत्पत्ति हुई। वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जल जो है वो जीवन की उत्पत्ति के लिए अत्यावश्यक है। मैंने आपको बता दिया क्यों एसेंशियल है, वाटर क्यों एसेंशियल है, क्योंकि वाटर केमिकल रिएक्शन को मीडियम प्रोवाइड करवाता है। आज हमारी सेल के अंदर भी कितना मेजोरिटी ऑफ घटक, अप्रोक्सीमेटली 85-90% तक क्या देखने को मिलता है आपको? वाटर देखने को मिलता है, ठीक है ना। अलग अलग सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं। और जब लाइफ ओरिजिन हुई तो O2 एब्सेंट थी, O2 एब्सेंट थी तो एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग नेचर का था, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का नहीं था। और फर्स्ट लाइफ जो थी, O2 एब्सेंट थी तो पहला जीवन जो था, फर्स्ट लाइफ जो थी वो कैसी थी? एनएरोबिक थी, यानी एनएरोबिक एवाईवीए। एवाईवीए का मतलब ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस का होना, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर रही होंगी कि किस तरह से थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या बताना चाहती है आपको एक्चुअल के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे डिस्कस करते हैं अपन।
ओके बच्चों, अगर आपको चीजें क्लियर हैं, सारी की सारी अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। और फीडबैक जो है वो आप किस फॉर्म में दें, फीडबैक दें आप अपने लाइक और सब्सक्राइब के फॉर्म में, ठीक है ना। जरूरी है, इससे मुझे भी लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो डेली मैं एफर्ट डाल रहा हूं आपके लिए, रेगुलर वीडियोज लेके आ रहा हूं, तो उसका कुछ मतलब निकल रहा है, ठीक है ना। अगर आपका रिस्पांस नहीं आएगा, आपका कोई फीडबैक नहीं आएगा किसी भी तरह का, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा, फिर मेरे एफर्ट डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कुछ करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कैमरा को पढ़ा रहा हूं। इसलिए मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि इनिशियल स्टेज के अंदर अभी अपन ने शुरू किया है, ठीक है, तो एक बार के लिए मुझे आपका फीडबैक जरूर चाहिए होता है, ठीक है ना। उसके बाद तो जब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, बच्चे बहुत सारे जुड़ जाते हैं, तो खुद बे खुद पता चलने लगता है कि हाँ चीजें जो है वो सही जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनिशियली हैं तो मैं आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूं, तो बिल्कुल आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए बच्चों, और ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। चलिए आगे बात करते हैं अपन केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। मैं एक मार्कर और ले लेता हूं, केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन। अब एक्चुअल के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल एवोल्यूशन, एक एक स्टेज पे, स्टेज फर्स्ट, ठीक है ना। केमिकल एवोल्यूशन की स्टेज फर्स्ट के बारे में अगर अपन बात करें, तो ये स्टेज कैसी थी, ये स्टेज थी एटॉमिक स्टेज, यानी सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, एटम्स का, एटॉमिक स्टेज, ठीक है। एटॉमिक स्टेज को आप यूं कह सकते हो परमाणवीय प्रावस्था, परमाणवीय प्रावस्था, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, देखिए हिंदी मीडियम वालों आप कोशिश किया करो इंग्लिश समझने की, क्योंकि ये आपके लिए इन फ्यूचर बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए बात करते हैं अपन एटॉमिक स्टेज के बारे में। तो अर्थ के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि अपना सोलर सिस्टम जो था वो कितने बिलियन ईयर अगो बना, 4.6 बिलियन ईयर अगो अपने सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो अर्थ वॉज ओरिजिनेटेड, अर्थ वॉज ओरिजिनेटेड अबाउट, ये लगभग में लिया जाता है, अलग बुक्स के अंदर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत वेरी करता हुआ डेटा भी मिल जाए, 4.6 बिलियन ईयर अगो, बिलियन ईयर्स अगो जो पृथ्वी थी, अर्थ की जो उत्पत्ति हुई, ओरिजिन जो हुआ वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो हुआ। तो अब अर्थ जो थी, अर्ली अर्थ जो थी, उस पर एटम्स किस फॉर्म में थे, फ्री एटम अवेलेबल थे, ठीक है ना। अर्ली अर्थ हैड फ्री एटम्स, अर्ली अर्थ हैड, अर्ली अर्थ हैड फ्री एटम्स, ठीक है। यहां पर अणु जो थे, परमाणु कह सकते हो, मॉलिक्यूल के लिए अणु शब्द यूज करते हैं, एटम के लिए परमाणु, तो यहां जो एटम प्रेजेंट थे, एटम जो थे वो किस फॉर्म में थे, फ्री फॉर्म में थे, मुक्त रूप से थे। और ये एटम किस तरह के थे, ये वो एलिमेंट थे जो एसेंशियल थे किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के लिए, ठीक है ना। ऑल दोज एटम विच आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऑल दोज एटम्स, ऑल दोज एटम्स विच आर एसेंशियल फॉर, which were mentioned कर लो, which were essential for, essential for formation of, formation of protoplasm, protoplasm, ठीक है। कहानी समझ में आई कि अर्थ लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो ओरिजिनेट हुई, अर्थ पर, अर्लियर अर्थ पर सारे के सारे एटम जो थे वो फ्री फॉर्म में थे, और ये एटम किसके लिए एसेंशियल थे, ये वो एटम एसेंशियल एटम थे जो प्रोटोप्लाज्म बना सकते थे। मीन प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए जो आवश्यक एटम थे, जो एसेंशियल एटम थे, वो अर्ली अर्थ पर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट थे। जब अर्थ ओरिजिनेट हुई तब सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट जो थे वो अर्थ पर प्रेजेंट थे। तो ये एटम जो थे वो किस तरह के एटम थे, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया,
ठीक है ना, और ऑक्सीजन हो गया। ध्यान से देखें कौन कौन से एटम थे, एटम्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मेजर एटम थे यहां पर, ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाने वाले मुख्य घटक थे। अब आप देखिए, मैंने आपको ये बोला कि अर्लियर अर्थ पर ये एटम फ्री फॉर्म में थे, और ये एटम वो एटम थे जो प्रोटोप्लाज्म बनाने में सक्षम थे, या फिर आप यूं कह सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए जो एसेंशियल एटम चाहिए वो एसेंशियल एटम्स अर्लियर अर्थ पर प्रेजेंट थे। अब देखें कि किस तरह से प्रेजेंट थे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। वाटर क्या होता है, H2O, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन, जैसे प्रोटीन के अंदर प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड के अंदर सिंपल से, बिल्कुल सिंपल, माना कि एक अमीनो ग्रुप होगा NH, तो N है, H है। एसिड ग्रुप होगा COOH, कार्बन है, ऑक्सीजन है, H है। तो कार्बोहाइड्रेट भी बन रहे हैं, प्रोटीन भी बन रही है, यही तो मेजर चीजें हैं प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए। इन्हीं के ही तो डेरिवेटिव होते हैं लिपिड्स और फैट, ग्लिसराइड हो गए, ठीक है, ग्लिसरोल, ग्लिसराइड, फैटी एसिड्स। तो वो सारी की सारी चीजें इन एटम से मिलकर बनाई जा सकती थी। हाँ, सिर्फ इतने ही एटम नहीं थे, इसके अलावा भी थे, जिस तरह से सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है ना, हीलियम हो गया, इस तरह की गैसेज और एटम्स भी प्रेजेंट थे। लेकिन अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इन चार लाइटेस्ट और मेजर एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इनके अंदर मोस्ट अबेंडेंट एटम जो था वो था हाइड्रोजन। मोस्ट अबेंडेंट एटम अमंग ऑफ दीज, इन में से अगर मोस्ट अबेंडेंट एटम की बात करें तो वो क्या था, वो था हाइड्रोजन। यानी सबसे ज्यादा कौन था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। तो ये थी एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज आपको क्या कहना चाहती है, एटॉमिक स्टेज बच्चों ये बताना चाहती है कि अर्लियर अर्थ जो थी उस पर एटम्स फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट थे, मुक्त रूप से एटम उपस्थित थे। अब ये जो मुक्त रूप से एटम प्रेजेंट थे, ये वो एटम थे जो प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए एसेंशियल थे, या यूं कह सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो रॉ मटेरियल प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए चाहिए, वो अर्लियर अर्थ पर प्रेजेंट था। तो मेजर एटम की अगर बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये चार ही एटम थे, मैं कह रहा हूं कि मेजर एटम थे ये, ठीक है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर इनमें से बात करी जाए तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एटम कौन सा था, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एटम था हाइड्रोजन। क्लियर हुआ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं अपन। बिल्कुल बच्चों, एकदम एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीजें क्लियर करूंगा, मजा आ जाएगा। जब ये चीजें खत्म होगी ना, तो आपको इतना शानदार सीक्वेंस होगा आपके पास में, आप कंप्लीट 10 मिनट के अंदर पूरा समझा सकोगे कि जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लाइफ जो है, कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप बताओ कि लाइफ का ओरिजिन किस तरह से हुआ, तो आप कंप्लीटली एकदम सीक्वेंस वाइज बिल्कुल सही सही बता सकोगे कि लाइफ ओरिजिनेट किस तरह से हुई है। अपन बिल्कुल एक एक स्टेप की फॉर्म में, एक एक पॉइंट के साथ में पढ़ते चलेंगे, लेकिन इन एफर्ट्स का आपको पता है ना, रिजल्ट आना बहुत जरूरी है, बिना रिजल्ट के एफर्ट का कोई मतलब नहीं है। चलिए सेकंड स्टेज पर आते हैं अपन, मोलिकुलर स्टेज। स्टेज सेकंड जो है वो है बच्चों मोलिकुलर स्टेज। मोलिक्यूलर स्टेज, आणविक प्रावस्था। अब मोलिक्यूलर स्टेज आपको क्या कहना चाहती है, मोलिक्यूलर स्टेज आपको यह कहना चाहती है कि जो फ्री एटम थे वो कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बनाए, सिंपल मोलिक्यूल और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। तो आप यूं लिख सकते हो कि फ्री एटम कंबाइन टू फॉर्म, फ्री एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मोलिक्यूल्स और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल
इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसे और ये नाम भी दे सकते हो, ओरिजिन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो फ्री एटम थे, फ्री एटम ने आपस में कंबाइन हुए, आपस में जुड़े और उन्होंने क्या बनाए, सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी, फिर से एक बार रिवाइंड करें, जो थ्योरी बिग बैंग के अंदर बताई गई कि एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, तो इतना बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो अर्लियर अर्थ का जो टेम्परेचर था भाई, उसी एक्सप्लोजन की वजह से तो हमारे प्लेनेट बने थे, तो अर्लियर अर्थ का जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर कैसा था, वो टेम्परेचर बहुत हाई था, वो टेम्परेचर जो था वो बहुत हाई था, और इस हाई टेम्परेचर ने भी एक बेनिफिट दिया, इस हाई टेम्परेचर ने भी क्या दिया, एक बेनिफिट दिया, क्योंकि इस हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, इस उच्च तापमान की उपस्थिति के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन जो थी वो दूसरे एटम के साथ में कंबाइन हुई और उन्होंने क्या बनाया, दूसरे सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। कैसे किया, कौन कौन से किया देखते हैं अपन, तो अपन पूरी लाइन लिखेंगे साथ में कि ड्यू टू, आप साथ में लिख लिया करें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, ये अपना पहला पॉइंट था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान की उपस्थिति में एक्टिव हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, वेरी गुड, ये हुई ना बात, कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वॉटर। अब देखिए आप, एक और अपन निकाल के देखते हैं यहां पर, जिस तरह से मैंने आपको बताया सिंपल एटम क्या थे, सी था, हाइड्रोजन था, एन था, ऑक्सीजन थी, इनके अंदर आप रिएक्टिविटी के ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे रिएक्टिव कौन होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी और मिलकर क्या बना दिया, वॉटर बना दिया। ठीक है ना, तो पहला जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो कौन सा था, वो था वॉटर और अमोनिया थे। ठीक है ना, अब जो थी, अब चीजें देखो कि ऑक्सीजन, अब आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट थी, फिर आपने ये क्यों कहा कि परमिटिव जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसके अंदर फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, यही तो मुद्दा है ना, ऑक्सीजन तब तक प्रेजेंट थी जब तक एटॉमिक स्टेज थी, जब तक एटॉमिक स्टेज थी तब तक थी ऑक्सीजन, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूलर स्टेज आई तो फ्री ऑक्सीजन नहीं बची, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन के साथ में किसने क्रिया कर ली, हाइड्रोजन ने, और मैंने बताया था कि इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन था, सबसे ज्यादा था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके वॉटर बना दिया, अब फ्री ऑक्सीजन बची नहीं, अब पीछे जो थी वो फ्री ऑक्सीजन बची नहीं, इसलिए जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी और उसे रिड्यूसिंग नेचर का कहा गया। हुआ ना क्लियर, इसीलिए मैंने वो समरी के पॉइंट लिखाए थे आपको, ताकि आपको एक आइडिया रहे और वो आइडिया आपको इस लेक्चर से जोड़े रखे, कनेक्ट करके रखे, ताकि आपको पता चले कि वाकई आप क्या सीखने वाले हो। हर एक चीज के पीछे का रीजन है, हर चीज के पीछे लॉजिक है कि अगर कोई चीज थी तो क्यों थी, अगर कोई चीज नहीं है तो क्यों नहीं है। बात यह है कि हम उसे समझ कितना पाते हैं, हम उसे उसको कितनी क्यूरियोसिटी के साथ में पढ़ रहे हैं। जितनी एनर्जी और जितनी एक्टिवनेस से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उतनी ही एनर्जी से आपको पढ़ना होगा, तब जाकर ये चीजें इंटरेस्टिंग बनेंगी और मजा आएगा इन चीजों को पढ़ने में। तो अपन ने देखा कि फ्री एटम जो थे उन्होंने वो आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बनाए, मॉलिक्यूल बनाए, किस तरह के, सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान की उपस्थिति में एक्टिव हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी तथा वॉटर बना दिया, अब नो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल या लीव बिहाइंड, अब पीछे जो थी वो मुक्त ऑक्सीजन नहीं बची, अब मुक्त ऑक्सीजन नहीं बची तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर किस तरह का हो गया, रिड्यूसिंग नेचर का हो गया। ठीक है ना, समझ में आया, तो ड्यू टू दिस नो फ्री ऑक्सीजन लीव बिहाइंड।
ड्यू टू दिस नो फ्री ऑक्सीजन, नो फ्री ऑक्सीजन लीव बिहाइंड, पीछे कुछ भी नहीं बची। दस इस प्रकार, दस इस प्रकार प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बिकम रिड्यूसिंग इन नेचर, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बिकम रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो इस एक्टिव हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करी तथा वाटर बना दिया। वाटर बनाने की वजह से अब जो पीछे ऑक्सीजन फ्री नहीं बची, ऑक्सीजन फ्री नहीं बची तो एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, रिड्यूसिंग नेचर का हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो था उसने नाइट्रोजन के साथ भी क्रिया करी, हाइड्रोजन जो था उसने नाइट्रोजन के साथ भी क्रिया करी। तो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन ने मिलकर क्या बनाए, बनाए अमोनिया, मिलकर क्या बनाए, अमोनिया बनाई। क्लियर हुआ यहां तक कि नाइट्रोजन जो, सॉरी हाइड्रोजन जो था, क्योंकि हाइड्रोजन मोस्ट अबेंडेंट था, सबसे ज्यादा था, तो हाइड्रोजन अवेलेबल जो था, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन जो थी वो एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा थी। तो हाइड्रोजन ने पहले तो क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करी और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बना दी, वाटर को फॉर्म कर दिया। अब वाटर बन गया तो फ्री ऑक्सीजन नहीं बची, फ्री ऑक्सीजन नहीं बची तो एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, रिड्यूसिंग नेचर का हो गया। अब हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करी और नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके क्या बना दी, अमोनिया बना दी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, मैं एक बार इस चीज को रिवाइज कर रहा हूं फिर से। सेकंड स्टेज के अंदर क्या हुआ, सेकंड स्टेज है जो मॉलिक्यूलर स्टेज है, जिसके अंदर सिंपल कंपाउंड और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, किस तरह से हुआ कि जो फ्री एटम थे, पहली स्टेज कैसी थी, पहली स्टेज थी एटॉमिक स्टेज, तो जो फ्री एटम थे वो आपस में मिले और मिलकर उन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल का कंपाउंड का फॉर्मेशन करना शुरू किया। हाइड्रोजन जो थी उसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाया और सारी ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लिया था, तो पीछे फ्री ऑक्सीजन नहीं बची तो एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, रिड्यूसिंग नेचर का हो गया। अब हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाई, अमोनिया बना ली। तो इस तरह से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। चलिए आगे देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आप यूं कह सकते हो कि सबसे पहले बनने वाले सिंपल मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो थे वो कैसे थे, वो इनऑर्गेनिक थे। और वो कौन थे बताइए, जरा रिप्लाई कीजिए कि सबसे पहले बनने वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो कौन कौन से थे, फटाक से बताइए। फर्स्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड, फर्स्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आंसर कीजिए, वेट कर रहा हूं मैं, आंसर कीजिए फटाक से। फर्स्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म्ड वर, फॉर्म्ड वर प्रोबेबली, संभावित रूप से कौन कौन से रहे होंगे, हाइड्रोजन एंड, सॉरी वाटर एंड अमोनिया, वाटर एंड अमोनिया। सबसे पहले बनने वाले जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड थे वो प्रोबेबली कौन से रहे होंगे, वो हाइड्रोजन और अमोनिया रहे होंगे। अभी तो आपको बताया, अब इनके अलावा भी लाइटर एलिमेंट जो थे वो और बने, कौन कौन से बने, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आई कौन हो गए, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, तो CO2 हो गया, CO हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ये भी इनिशियल एनवायरनमेंट के अंदर मॉलिक्यूलर स्टेज के दौरान बने। तो क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत, कोई डाउट फटाक से बताएं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि लगभग लगभग कई बिलियन साल पहले, कई बिलियन साल पहले, कितना बिलियन साल पहले, लगभग 15 बिलियन ईयर अगो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और उसकी वजह से यूनिवर्स के अंदर गैसेज के क्लाउड डस्ट पार्टिकल से भर गया।
फिर धीरे धीरे उनमें कंडेंसेशन हुआ, वो संघनित हुए, गैसेज क्लाउड कोलैप्स हुए, एटम आपस में ग्रेविटेशनल पुल से एक दूसरे के पास पास आए, डस्ट पार्टिकल साथ थे और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हुई। उनमें से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनी सोलर नेब्यूला, जो बहुत ज्यादा गर्म पार्ट था उसका, और वही आगे चलकर सन में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह से उसके चारों तरफ जो बाकी थे, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक इसी प्रकार। और इन्हीं प्लेनेट में से एक प्लेनेट हमारा था अर्थ। तो अर्थ का ओरिजिन लगभग कितना पहले माना जाता है, 4.6 बिलियन ईयर अगो पहले माना जाता है। उसके बाद में ओपेरिन और हाल्डेन ने इस चीज के बारे में बताया, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के बारे में, कि किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई। तो ओपेरिन और हाल्डेन का कहना था कि सबसे पहले जो इनिशियल प्रिमिटिव जो लाइफ थी, सॉरी लाइफ नहीं, प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था, उसके अंदर सारे एलिमेंट फ्री फॉर्म में प्रेजेंट थे। तो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ये कहना चाहती है कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो केमिकल से, एलिमेंट से, एटम से मिलकर हुई है। लाइफ क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल है। तो उनका कहना था फर्स्ट स्टेज जो थी वो एटॉमिक स्टेज थी, उस टाइम अर्लियर अर्थ पर सारे एसेंशियल एटम्स या एलिमेंट्स फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट थे। क्लियर। अब वो फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट एटम जो थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, आपस में रिएक्शन करना शुरू किया, जैसे जैसे उनके लिए कंडीशन सूटेबल होती गई, तो उन्होंने आपस में रिएक्शन करना शुरू किया और कंपाउंड्स बनाए। अब कंपाउंड बनाए तो वो कंपाउंड कैसे थे, वो सिंपल मॉलिक्यूल थे, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। तो ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली, संभावित रूप से, पहले जो सिंपल कंपाउंड रहे होंगे वो वाटर और अमोनिया रहे होंगे। फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल क्यों नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना दिया था, तो फ्री ऑक्सीजन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं थी। सो एटमॉस्फेयर किस तरह का हो गया, रिड्यूसिंग नेचर का हो गया। और आज भी देख लो, आज फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होता, वाटर का ब्रेकडाउन फोटोसिंथेसिस में नहीं हुआ होता, वैसे बिना वाटर के भी फोटोसिंथेसिस होता है, जहां हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूटिलाइजेशन करते हैं बैक्टीरिया, पढ़ेंगे आगे। तो आज भी फ्री ऑक्सीजन किसकी वजह से अवेलेबल है, फोटोसिंथेसिस की वजह से, और ऐसे फोटोसिंथेसिस की वजह से जिसमें हाइड्रोजन डोनर के रूप में वाटर को यूटिलाइज किया जाता है। तो हाइड्रोजन को CO2 के साथ में जोड़कर ग्लूकोज बना दिया जाता है और फ्री ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है, उस वजह से आज एटमोस्फेयर के अंदर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है। So क्लियर हुआ कि एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नेचर का किस तरह से था। तो ये जो सबसे पहले बनने वाले कंपाउंड थे वो वाटर और अमोनिया थे। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, H2 हो गई, N2 हो गई, ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। सो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर किसी भी तरह की कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, किसी तरह की कोई क्वायरी हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना। कॉल मत किया कीजिए, बहुत से बच्चे कॉल करते रहते हैं, क्योंकि मैं क्लास में होता हूं तो कॉल पिक नहीं कर पाता हूं। 9460702920। क्लियर। लाइव क्लासेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप इन पर व्हाट्सअप कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ओपेरिन और हाल्डेन की थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन का साइंटिफिक एविडेंस दिया मिलर ने, वो क्या था। तो आगे वाला लेक्चर भी बच्चों इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का सेशन बच्चों यहीं खत्म करते हैं। आपको, आपके लाइक्स के लिए, आपके शेयर के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, और साइंटिफिक एविडेंस ऑफ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।